गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लाइट थोड़ी कम है तो मैं मोबाइल का हेल्प ले रही हूँ लाइट के लिए। और मेकअप आज मैंने ब्लू, नेवी ब्लू आउटफिट पहना है। ये आउटफिट ऑलरेडी पहन चुकी हूँ मैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये आउटफिट के ऊपर अगर ब्लू मेरा आउटफिट है या आप लोगों का आउटफिट है तो हमेशा पिंकिश मेकअप करो। तो पिंक के लिए मैंने सबसे पहले मैं अपना चेहरा क्लीन कर लिया है क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर लगा के, एंड डायरेक्टली मैं कंसीलर लगाऊंगी। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि कंसीलर से मेकअप सिखाओ, तो आज मैं सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी। आज है मेरे ब्राइड का निकाह, तो निकाह हम आज अटेंड करेंगे थोड़े वक्त के लिए, पर अटेंड करेंगे क्योंकि उनका बहुत, कल मुझे फ़ोन आया कि आप आओ आओ आओ, तो हम कल नहीं गए क्योंकि हम बहुत थक गए थे और मुझे साथ ही साथ में ब्लॉग भी एडिट करना था, मेकअप ब्लॉग भी डालना था आप लोगों के लिए, तो इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। तो चालू करते हैं डायरेक्टली कंसीलर से। जो मेरा स्पॉट एरिया है, जैसे कि यहाँ पर दाने के दाग रह गए हैं, ये थोड़ा ब्लैकिश लगता है मुझे, और छोटे छोटे जो दाने हैं जो ब्लैक और रेडिश में है, उसको मैं डार्क कंसीलर से हाइड करूँगी। तो अगर आपको भी है तो आप भी हाइड कर सकते हो। लाइटर कंसीलर मेरे पास दो है, फॉरएवर का और एक आई मैजिक का, तो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो और ये महंगा है, ये सस्ता है, आपके ऊपर है, बस हाथ और टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। और थोड़ा सा फेयर रखने के लिए मेरे नेक के हिसाब से हम कंसीलर चूज़ करेंगे। आप कंसीलर हमेशा जब भी फाउंडेशन या कंसीलर लेने जाते हो तो फाउंडेशन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर टेस्ट किया करो, जो आपके कलर का मैच होगा स्किन पे यहाँ से ही, तो वो शेड लगाया करो। यहाँ पर या यहाँ पर लगा के कुछ मतलब नहीं, यहाँ पर लगा के टेस्ट किया करो अगर आप बाहर बाइक भी करने जाते हो तो। मैं यहाँ पर दो कंसीलर यूज़ करने जा रही हूँ, शॉपरेल का ही, और आप चाहिए तो आई मैजिक का भी मिलता है कंसीलर, आप अपने टोन का ले सकते हो। मेरे पास नहीं था फिलहाल तो मैंने ये यूज़ कर रही हूँ। तो दो शेड है और दोनों को मिक्स करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेयर है, ये बहुत ज़्यादा येलोइश टोन में है, तो दोनों को मिक्स करके हम लगाएंगे। और अगर आपको लेंसेस लगाना है, अगर आपके आँख में चुभता है लेंसेस पहले से ही, पानी निकलता है, तो प्लीज़ लेंसेस पहले वेयर कर लो। मुझे तो यूज़ टू हो गया, तो मैं आफ्टर मेकअप भी लगा ली। ज़्यादा वाइटिश नहीं लग रहा है, येलोइश नहीं लग रहा है, लाइट में समझेगा नहीं, मैं डे के लाइट में चली जाऊँगी मेकअप के थोड़े बाद में, तो आपको समझ में आएगा मेकअप। फिर मैंने यहाँ पर टाट का कंसीलर लिया है हाईलाइट करने के लिए। और कॉन्टोर, अगर आपको किसी का शादी अटेंड करना है, पसीना बहुत आता है, तो आप क्रीमी कॉन्टोर ले सकते हो, फिर उसके बाद पाउडर वाला कॉन्टोर से ऊपर से आप उसको सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं डायरेक्टली पाउडर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा फंक्शन अटेंड नहीं करना है पूरे दिन का, अगर आपको स्वेट बहुत ज़्यादा आता है तो, वरना आप पाउडर यूज़ कर सकते हो। और मैंने मेरे चेहरे पर ना पील ऑफ करवाया था, पूरा एक्चुअली बॉडी में करवाया था, उसका मैं अलग से वीडियो डालूँगी। तो मेरा स्किन है ना पील हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ मेरे चेहरे को हर तीन तीन चार चार घंटे में, क्योंकि मॉइस्चराइज़र उड़ जाता है। तो मॉइस्चराइज़ करते करते चेहरा काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। और नेक एरिया अभी तक हील नहीं हुआ है, हाथ पैर भी वैसे ही पील हो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, कुछ गलत मत समझना, नहीं तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं, मुझे एक्सप्लेन इसके लिए करना पड़ रहा है इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैं डाली हूँ उसमें आई गेस कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं जो हम खुद दिमाग में नहीं रखते चीज़ें। अंडर आई कंसीलर से मैंने कवर कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है। अब हम लूज़ पाउडर लेंगे। लूज़ पाउडर कभी भी आप ब्लेंडर में ले रहे हो, हाथ में टैप कर लो जितने भी एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर रहेंगे, एंड देन ये जो ब्लेंडर में बचे रहेंगे आप अपने अंडर आई में लगा सकते हो टैप करके। करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा पिंकिश में मेकअप कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्टोर ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो कॉन्टोर के लिए ये शॉपरेल का पैलेट ले रही हूँ, आप कोई भी पैलेट ले सकते हो, आई मैजिक का भी मिलता है, तो आपके बजट के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि महंगा प्रोडक्ट तो अच्छा दिखे, सस्ता भी अच्छा लगता है, बस
कॉपी नहीं लेना, आपके स्किन को हार्म करेगा, बाकी कुछ नहीं। अगर टेक्निक अच्छा होगा अच्छा दिखेगा, बट जब आप मेकअप उतारोगे तो आपका स्किन हार्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लाइटर शेड ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रोल नहीं हाईलाइट करना आज, और आज मैं अपना नेक एरिया कवर नहीं करने वाली, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ। ये होने के बाद डायरेक्टली हम ब्लश लगाएंगे, अपना रेगुलर ब्लश आप ले सकते हो कोई भी, अगर आपके पास क्रीमी है क्रीमी कर लो, और ज़्यादा ब्लश टिकाना है तो क्रीमी लगा के पाउडर थोप दो, खत्म। अगर सेट करना है तो, अगर आपको अटेंड करना है रात भर के लिए, तो मुझे तो रात भर के लिए अटेंड नहीं करना, तो मैं पाउडर उसमें जाऊँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शॉपरेल का, कोई भी पाउडर ले सकते हो, मुझे वैनिटी में सबसे पहले यही दिखा तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रोल हम अपने नाक में करेंगे, आपके नाक में ज़्यादा लग गया लूज पाउडर ले लो, टैप करो, ब्रश घुमाओ उसमें, एंड देन नाक में ब्लेंड कर लो तो लूज पाउडर हल्का हो जाएगा। आईब्रो डिफाइन करेंगे, और आपको पता है आईब्रो डिफाइन करना मुझे कितना पसंद है क्योंकि अपने को तो आईब्रो ही नहीं है। आईब्रोज भी अगर आपको सेट करना हो एनास्टेशिया और उसके बाद पाउडर बेस लगा के सेट कर सकते हो। ब्राइड हमारी जस्ट गई हैं रेडी होके, क्योंकि मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था मेरा मेकअप, क्योंकि ब्राइड को तैयार करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अब हम जा रहे हैं लॉन पे, तो मुझे भी रेडी होना है, ब्लू आउटफिट है, ब्लू आई मेकअप नहीं करेंगे हम, पिंक आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप भी मुझे लगता है कि मुझे आज अवॉइड करना चाहिए। पिंक ब्लश दे दूंगी, लिपस्टिक दे दूंगी, एक काजल स्ट्रोक लगाऊंगी ब्लू कलर का, या तो उसको ब्लू मर्ज कर दूंगी, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं, बस थोड़ा सा पिंकिश दिखना है मुझे आज। मेरे आई मैजिक के ब्लश के पैलेट से ही लाइट पिंक कलर ले रही हूँ, सिर्फ हल्का सा एक कोट तो लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ब्लू काजल, और इसी काजल को अपने वाटर लेन पे हल्का सा लगाऊंगी, और ब्लू आई शेडो के साथ मर्ज कर दूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ अवानी की पैलेट, जिसमें ब्लू कलर का शेड है मेरे कपड़े के हिसाब से, जो मेरा ये है अंडरलाइन, उसको सिर्फ मर्ज करूंगी। देखो ऊपर पिंक हो गया, नीचे ब्लू हो गया। गोल्डन के लिए या तो मैं गोल्डन यहाँ पर भर सकती हूँ, या तो मैं गोल्डन हाईलाइटर दे सकती हूँ, तो मैं सिर्फ गोल्डन हाईलाइटर दूंगी। लैशेस मेरे ऑलरेडी लगे हैं, सिर्फ मुझे लोअर लैश करना है। फेरा रोशी का मस्करा यूज कर रही हूँ लोअर लैश के लिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ होजो का हाईलाइटर, जो मेरे आउटफिट में गोल्डन कलर का लुक देगा। ये मेरा ऑल ओवर लुक है, और सिर्फ मैंने कंसीलर से बेस लगाया है, बेस अब तक टिक रहा है, मतलब अब लगभग 3-4 घंटे हो गए हैं, फिर भी मेरा बेस हटा नहीं, तो टेक्निक आना चाहिए। मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ मेरे चिक्स पे गोल्डन, थोड़ा सा नोज पे, ज़्यादा तड़कता भड़कता लेंस लगाना नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ। सोबर। मेरे पास हॉट पिंक कलर नहीं है मेरे जूती के कलर के हिसाब से, तो मैं दो कलर मिक्स करके लगा रही हूँ। एक है 03 शेड मैरी जो का ही शेड 08, ये मैंने क्लाइमेटअप से बाय किया था, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आपके पास हॉट पिंक नहीं है तो आप खुद बना सकते हो। हॉट पिंक कलर अपना बन गया है। तो ये है मेरा कुछ लुक, तो ये था मेरा आज का मेकअप लुक। अगर ब्लू आउटफिट है तो पिंक मेकअप में करो, और कुछ पिंक, जैसे मेरा सैंडल पिंक कलर का है, मैंने पिंक लिपस्टिक लगा लिया, हल्का सा पिंक आई शेडो दे दिया, तो ऐसा कुछ क्रिएट किया करो। अगर ये मेकअप आपको लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और मैंने बुकिंग लेना चालू कर दिया है, डीएम कर देना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जिस शनाया पे ज़रूर डीएम करना, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।